चलो दोस्तों, अब डाउन ट्रेंड की आपको लेवल दिखाता हूँ कि भाई डाउन ट्रेंड के अंदर मान लो अभी 34,800 का जो प्रीमियम था, 309 से लेकर उस प्रीमियम को 326 तक ले जाया गया। तो 326 पर ले जाने के बाद में उसकी चाल क्या चली थी, यहाँ पे जितने भी आप अगर मान लो ये देख रहे हो ना, ग्रीन के वीक देख रहे हो, ग्रीन के वीक देख रहे हो, ग्रीन के, तो ये इसके रजिस्टेंस हो गए। तो अब जब भी मार्केट को नीचे गिरना है तो प्रीमियम लो करने के लिए गिरना है भैया, मेरे प्रीमियम लो तो करना पड़ेगा ना। तो ये प्रीमियम लो करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा प्रीमियम लो करने के लिए। तो जैसे ही ये इसे टच करता है ना मान लो, तो इसकी एक एवरेज बनती है, एवरेज तो 34,660 की एक एवरेज बनेगी अभी। यानी पुट सेल चल रही है, पुट चल रहा है यहाँ पर, देखो एग्जैक्ट वहाँ पर आकर मेरा जो टारगेट है वो हिट हो गया, सब मतलब पुट का मेरा टारगेट हिट हो गया 34,640। देखो मैं सिर्फ कॉल यानी ग्रीन कैंडल के अंदर कमाना कैसे वो नहीं बता रहा हूँ आपको, पुट में भी कैसे कमाना है, कैसे प्रीमियम कम होता है, प्रीमियम पे ध्यान देना है, मैंने बार बार कहा है। और उसी प्रीमियम को टच करने के लिए वहाँ पे आया और वहाँ से ही वापस बाइंग शुरू हो गई और उसी प्रीमियम को वापस वापस उठा लिया उन्होंने। तो कहने का मतलब कि इसी तरह मार्केट को प्ले करो। ये पहले रेजिस्टेंस को इसने टच किया है, पहला रेजिस्टेंस जो है उसे रिस्पेक्ट किया है, अब सेकंड रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो है ना वो बाकी है यहाँ पे, वो है ये वाला रेजिस्टेंस बाकी है, ये वाला। तो इसे भी हमें चेक करना है कि यहाँ पे भी क्या मार्केट आता है और प्रीमियम करने के लिए, क्योंकि प्रीमियम अगर मान लो नीचे से ऊपर तक 309 से लेकर मान लो 325 तक लेके गया, तो इन दोनों की एवरेज कहाँ पर बनती है बताया आपको, तो एवरेज बनती है यहाँ पर, यहाँ पर एवरेज बनती है 34,629 तक की एवरेज बनती है, कि वहाँ पर मार्केट अपनी रेड कैंडल बनाने के लिए आए, रेड कैंडल बनाने के लिए आए, जैसे यहाँ तक की बनती है 34,630 तक की बनती है, कि ये जो सपोर्ट है ना यहाँ तक मार्केट आए और ये इसे रिटेस्ट करे, इसे रिटेस्ट करे और इसे भी रिटेस्ट करे। तो यहाँ पे जो क्रॉस चैनल बनाई ना, यहाँ पे क्रॉस चैनल, तो ये क्रॉस चैनल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पर टच कर दिया ना तो प्रीमियम और लो हो जाएगा, तो इसीलिए ये क्रॉस चैनल की तरफ जा रहा है, यानी इसे तोड़कर, इसे तोड़कर और इसकी तरफ बढ़ रहा है आगे। लेकिन हर कैंडल जब हर सपोर्ट की तरफ आएगा तो नीचे रेड में वीक बनेगा, बिकॉज ऑफ के रेड में वीक बनाना इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे भी रेड में वीक बनाना जरूरी है। यहाँ पे ये जो कैंडल आपको दिख रही है जैसे ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पर रेड के वीक को छोड़ने के लिए आएगा, यहाँ पे देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहाँ पे रेड वीक। मेरे लिए ये चीज़ बहुत आसान है क्योंकि मैंने ये 10,000 बार ट्रेड किया है, 10,000 बार देखा है यहाँ पे, यहाँ से ग्रीन में ऊपर भी आया, लेकिन वो मायने नहीं है, वो रिजेक्शन है। वो रिजेक्शन है किसके लिए, कि जो लोग मान लो पुट बाय करते हैं उनके लिए रिजेक्शन है, लेकिन जो लोग कॉन्फिडेंट है वो यहाँ तक खड़े रहेंगे और यहाँ तक एंजॉय करेंगे, और जिन्हें मान लो डर है वो वहाँ से निकल जाएंगे। देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ पर डर बटन दबाया जा रहा है कि वो रेड कैंडल जो है ना वो उस टारगेट तक जाए। देखो ये रेड में बार बार ग्रीन बनना यानी बाइंग आना यानी एवरेज बनाना, उसको कहते हैं एवरेज बनाना है। एवरेज बनाने का मतलब क्या हुआ कि वो नीचे से बाइंग करते जा रहे हैं, जो भी डर के मारे बेच रहे हैं ना वो, तो उसको बाइंग करते जा रहे हैं, ये वाला। तो ये सपोर्ट को रिटेस्ट कर लिया, पहले वाले सपोर्ट को रिटेस्ट कर लिया, फिलहाल यहाँ से भी बाइंग किया यानी एवरेज बना रहे, बराबर। अब ये थोड़ी सी एक ग्रीन बनने की गुंजाइश है और ये यहाँ तक जाने की गुंजाइश है, यहाँ तक खाली, और अगर दबा दिया तो पूरा नीचे इस तरफ, लेकिन सेंटर के अंदर जैसे बाइंग बता रहे हैं ना, तो एक एवरेज बनती है और ग्रीन कैंडल की गुंजाइश है यहाँ पे, जो यहाँ तक बनने की गुंजाइश है, यहाँ तक, ये यहाँ तक 34,657, बिकॉज ऑफ इसने पहला वाला टारगेट था ना ये वाला हिट कर दिया, इसने ये हिट नहीं किया, ये जो कैंडल दिख रही है आपको और यहाँ पे जो ग्रीन का वीक है ना वो दिखना जरूरी है। ये ब्रेकआउट तक भी नहीं किया, यहाँ तक भी नहीं किया, सीधा यहाँ से जैसा बोला यहाँ से कि इसी प्रीमियम को उठाकर वो यहाँ पर लेके गया, तो ये वापस 320 के प्रीमियम को लेके आया, बिकॉज ऑफ 320 का प्रीमियम वो एक मैक्स पॉइंट है। और यहाँ से अगर आपने बाइंग किया मान लो इस प्रीमियम से, तो आपको छोटा मोटा प्रॉफिट तो मिलने ही वाला, बिकॉज ऑफ के यहाँ पे नहीं किया तो ये भी 321 प्रीमियम हो गया, बराबर। तो इस प्रीमियम को ध्यान में रखिए और आप गेन कीजिए और पैसा बनाइए और एन्जॉय कीजिए। तो जितना भी आप मान लो सीखोगे ना इस मार्केट को, उतना आप मार्केट में मैच्योर बन पाओगे और जितना मैच्योर बनेंगे उतना आप अच्छा कमा पाएंगे। तो कहने का मतलब कि आप एंजॉय कीजिए ट्रेड को। तो मैंने यहाँ पे खुद ने सी बाय किया है और मेरी जो स्ट्राइक प्राइस थी एवरेज वाली 319 की स्ट्राइक प्राइस थी, मेरा खुद का जो टारगेट था वो नीचे का हिट हो गया, यहाँ तक नहीं आया और मार्केट ने अपनी चाल बदल दी, एवरेज बना दी, क्योंकि मार्केट लोअर हायर बना। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये मकसद एक ही था कि अगर पुट चल रही है तो पुट के जो लेवल्स है वो किस तरह के लेवल्स रहेंगे। तो पुट के लेवल से मैंने ये भी कहा कि ये ऊपर तक जाएगा अपना प्रीमियम रिकवर करने के लिए, वापिस ऊपर भी गया
बराबर, ये और ऊपर जा सकता है। तो थैंक यू, धन्यवाद, इस वीडियो को विराम देता हूँ, आप एंजॉय कीजिए ट्रेड को, थैंक यू।